हजारीबाग जिला का वैश्विक स्तर पर पहचान बनने जा रहा है, जहां बुद्ध की 5 और माँ तारा की 1 प्रतिमा मिली है, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की बताई जा रही है। आज के समय की बात की जाए तो लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये सारी प्रतिमा है। यह मूर्ति पाल वंश से अपना संबंध रखती है। खुदाई में मिट्टी हटाने के बाद 6 मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। सभी मूर्तियां एक ही लाइन में पाई गई हैं, जिसमें माँ तारा और बुद्ध की मूर्ति लगभग 2.5 फीट ऊंची है। अन्य 4 मूर्ति भी बुद्ध की है, जो मूर्ति अभी भी मिट्टी में दबी पड़ी है, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख पा रहा है। उस मूर्ति को निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। सारे के सारे मूर्ति व्हाइट फाइन सैंड से बनी हुई है। इटखोरी में इसी तरह की पत्थर की मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली हैं, जिन्हें म्यूजियम में रखा गया है। अभी तक में 6 मूर्तियों के प्रमाण सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं। इसमें कि अभी आपको सामने तीन मूर्तियां ऐसी दिख रही हैं जो कंप्लीट खुल चुकी हैं, जिसमें कि आपको उसको भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और एक इम्पॉर्टेंट इमेज जो प्राप्त हुआ है वो तारा का इमेज है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में है और बरद मुद्रा में है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रमाण मिला है, जिस जो इस क्षेत्र के इतिहास और झारखंड के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और भविष्य में अगर इसका संरक्षण होता है तो इस एरिया के संवर्धन और विकास के लिए भी एक साइट महत्वपूर्ण रहेगा। जिस तरीके के जो यहाँ पर मूर्तियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट साइट रहा होगा, एक बौद्ध से संबंधित धार्मिक स्थल रहा होगा। तो विवाह के उत्खनन की बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई है। ऐसे में अब रांची विश्वविद्यालय के छात्र भी यहां आकर साइट देखने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें जानकारी मिले कि कैसे मूर्तियां निकाली जाती है और कैसे उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे में छात्राओं का कहना कि हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, यह साइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही एक अन्य छात्रा का कहना कि अगर आप देखिए तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की मूर्तियां मिल रही हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता को भी दर्शाता है, क्योंकि जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें कई क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। सर, बहुत अच्छा लगा साइट देखकर। ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना कुछ मिलेगा देखने को, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ये तो और बहुत खूबसूरत है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा झारखंड में हमारे मिला है तो और भी अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में ये डेवलप भी करेगा ये एरिया, और यहाँ पर आसपास टूरिज्म का भी बढ़ावा मिलने पर क्या होगा कि आसपास रोजगार बढ़ेंगे। इतनी मुश्किल से आप लोग इतनी मेहनत करके, जैसा कि हम देख रहे हैं, मूर्तियाँ निकालते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म यहाँ पे अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए हैं, और इतना पुरानी साइट है, मतलब कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो एक तरह से संदेश है हमारे भारत को कि अलग अलग लोग रहते हुए भी, अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी एक जगह, यही हमारी संस्कृति है। सब आपस में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, और विभिन्नता में एकता का जो संदेश है वो एक अर्थोरी साइट के थ्रू। पीएचडी करने वाले छात्र कहते हैं कि अगर गौर किया जाए तो यहाँ 4 अलग अलग मुद्राएं मूर्ति के चारों ओर आप देख सकेंगे। गौतम बुद्ध की 4 मुद्राएं के बारे में हम लोग अध्ययन करते आए हैं, ऐसे में यह मूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं एक अन्य छात्रा भी कहती है कि हम लोग अब तक जहाँ तक पढ़ाई करते आए हैं, ऐसा पता चलता है कि हजारीबाग में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो अन्य क्षेत्र से अलग है। इसी तरह की मूर्तियाँ बौद्ध गया में मिली है, ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि हजारीबाग का संबंध बौद्ध गया से भी रहा होगा। जो मूर्तियाँ मिली हैं उसका रख रखाव से पता चल रहा है कि यह पूजा स्थल हो सकता है। इस स्थल का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह एक जीता जागता प्रयोगशाला है, जहाँ पर शोधार्थी और विद्यार्थी आके इस जगह को देख के अपने शोध कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो उनके जीवन में 4 समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। पहला समय जब वो गृह त्याग किए, दूसरा समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीसरा समय जब उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उद्देश्य दिया, और चौथा महापरिनिर्वाण, जिसमें इसमें जो मूर्ति यहाँ पर मिली है जो वह स्पष्ट करता है वो चारों मुद्राओं को, मेरे दृष्टिकोण से मैं जो प्रथम दृष्टि से देख रहा हूँ उस अनुसार से वो मिला है। वो इससे पहले झारखंड में कभी मिला नहीं है, ये सिर्फ बिहार में ही पाया गया है, उसके बाद ये अभी झारखंड में मिला है। तो ये झारखंड के लिए बहुत ही गौरव का बात है। यहाँ खुदाई जो हुआ है इससे बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे तारा माँ का मूर्ति भी मिला है और बौद्ध का ध्यान मुद्रा में मूर्ति भी मिला है। वो जो बताते हैं उनको ज्ञान कैसे मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, मृदभांड मिले हैं। ये सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि बौद्ध का और झारखंड का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहा है।
हजारीबाग के बोहरनपुर में खुदाई के दौरान पाल वंश की जो मूर्तियां मिल रही हैं, वो हजारीबाग को पूरे विश्व में अलग पहचान देगी। अभी भी क्षेत्र में 2 से 3 टीले हैं जिनका खुदाई होना बचा है। आने वाले समय में कई और पुरातात्विक धरोहर हमसे मिल सकते हैं। हजारीबाग सिर्फ प्रकृति सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाने लगा है। जरूरत ऐसे क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करने की, ताकि इस क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर हो सके। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग। Thank you.